नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा आज एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का हमारा नाम है आज मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टि योजना। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण का टॉपिक है, ये तो हमें साफ साफ नज़र आ ही रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है हाल ही में हमारे बजट का हिस्सा रही है ये योजना, यानी हालिया बजट में इसकी घोषणा हुई है, तो ये इकोनॉमिक्स का भी एक प्रमुख टॉपिक होगा। तो ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो फटाफट बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अकेडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अन अकेडमी पे नहीं हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आइए और मेरा नाम सर्च करके मेरे रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड CHP10 है, इसका इस्तेमाल करके आप मेरे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो तुरंत वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आने के बाद आपसे मुलाकात क्लासेस में भी होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टि योजना। हाल ही में वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा मिष्टि, और मिष्टि एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर अ शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, योजना की घोषणा की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत का जो समुद्र तट है, जैसे कि नाम से ही भी डिफाइन होता है, समुद्र तट के साथ साथ जो लवणीय भूमि है, जो सॉल्ट वाटर का क्षेत्र है, उन पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। यानी ये एक वृक्षारोपण स्कीम है जिसमें मैंग्रोव पे फोकस है। और मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव एक इस तरह के वृक्ष हैं जो कि खारे पानी में सर्वाइव करने के लिए सक्षम होते हैं। यह योजना मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। यानी इसमें जो है एकीकृत किया गया है मनरेगा योजना को, जिससे इसमें श्रम प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, कैंपा फंड के तहत इससे इसमें पैसा डाला जाएगा। और कैंपा फंड क्या है? कैंपा फंड एक तरीके से काम करता है, जो आपकी वन क्षेत्र की जो ज़मीनें होती हैं अगर उनका इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है, किसी परियोजना को बनाने के लिए, कोई रिहायशी परियोजना या कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो उसके एवज में उस इंडस्ट्री या उस प्रोजेक्ट को कैंपा फंड में पैसे डालने पड़ते हैं मुआवजे के तौर पे। और उस कैंपा फंड का जो पैसा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है बाद में किसी और जगह पर वनीकरण योजना के लिए। तो यानी कि ये एक वनीकरण योजना है, तो उसके लिए यहाँ से पैसा डाला जा सकता है। तो कैंपा फंड से इसमें पैसा डाला जाएगा, मनरेगा योजना को इसमें शामिल किया जाएगा। मैंग्रोव ही समुद्र में आने वाली सुनामी जैसे बड़े दुष्प्रभावों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव न सिर्फ खारे पानी को सहने में सक्षम पौधे हैं, वन हैं, बल्कि ये समुद्र के तट पर मौजूद रहकर एक वृक्षावरण तो बनाते ही हैं, साथ ही सुनामी जैसे जो भयानक समुद्र की जो हमारी दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए भी सहायक होते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। जब वो सुनामी पहले मैंग्रोव से टकराती है तो उसका जो प्रभाव है थोड़ा सा कम हो जाता है। हालिया जो वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैंग्रोव कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% हिस्सा कवर करते हैं। यानी हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के 0.15% हिस्से में मैंग्रोव हैं इस वक्त। ये लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जिसमें मैंग्रोव देखे जाते हैं भारत के अंदर। सिर्फ पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का क्षेत्रफल है, राज्य में मैंग्रोव का हिस्सा है 42.45%, जिसमें बहुत सारा हिस्सा सुंदरबन का क्षेत्र भी है जिस पे हमने अपना लास्ट वीडियो किया था। मैंग्रोव जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो आपको ये कोस्ट लाइन के एरियाज में मिलेंगे, तट क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन सभी जगहों पे आपको तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे। मिष्टि योजना, अब जो ये योजना लॉन्च की गई है अभी के हाल के आपके बजट के सेशन के दौरान, तो मिष्टि योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों की रक्षा करने में सहायक होगी। यानी इसमें नए मैंग्रोव लगाने की भी बात है और जो मैंग्रोव एग्जिस्ट करते हैं उनके संरक्षण का भी मुद्दा है। मैंग्रोव वृक्ष लवणीय जल के प्रति सहिष्णु होने के साथ ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना ज्यादा कार्बन पृथक्करण में सक्षम है। जस्ट इमेजिन, आज जब हम कार्बन सिंक की बात करते हैं, कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं, ऐसे में हमको कार्बन सिंक के रूप में क्या चाहिए?
ज्यादा से ज्यादा वृक्षावरण, ज्यादा से ज्यादा वनावरण, और उसमें भी जो मैंग्रोव हैं वो दोहरे फायदेमंद हैं। पहली चीज तो ये कि ऐसी जमीन, ऐसा पानी जो सॉल्ट वाटर है या लवणीय मृदा है, वहाँ किसी और प्रकार की वनस्पति तो आप उगा नहीं सकते, वहाँ पे ये उग सकते हैं फर्स्टली। दूसरी चीज ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, जो सबसे सघन वन दुनिया के हैं, उनकी तुलना में भी 4 गुना ज्यादा कार्बन को सिंक करने की क्षमता रखते हैं। तो कितनी अच्छी सिचुएशन हो गई हमारे लिए, अगर हम मैंग्रोव का संरक्षण करें तो शायद हम वर्षा वनों से भी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन सिंक हासिल कर सकते हैं। मैंग्रोव्स क्या हैं? तो मैंग्रोव्स को लवणीय पौधों और झाड़ियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि सॉल्ट्स को, लवण को सहकर भी वृद्धि कर सकते हैं। जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्र तटों के अंतःज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का अक्सर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, अंतःज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं, वे उन जगहों पर बड़े पैमाने पर उगते हैं जहाँ स्वच्छ जल समुद्री जल के साथ मेल खाता है। अक्सर आपको नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में ये देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नदियों का फ्रेश वाटर और समुद्र का जो आपका खारा पानी है वो उसका मिक्सचर देखने को मिलता है, जनरली वहां पे देखने को मिलेंगे। और जहां पे तलछट की मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि सिर्फ समुद्र की रेत में तो किसी तरह की वनस्पति उगना संभव नहीं है ज्यादातर, तो इनका जो उगना है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है, जो नदियां अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं समुद्र के किनारे डिपॉजिट कर देती हैं, लेकिन उन सेडिमेंट में मैंग्रोव के अलावा कोई और वन नहीं उग पाते, क्योंकि वहां पे बहुत सारा होता है नमक की मौजूदगी, पानी में भी और मिट्टी में भी। विशेषताएं क्या है मैंग्रोव की, क्या खासियत है, क्यों इसके संरक्षण के लिए योजना लाई गई है? तो सबसे पहला तो है लवणीय वातावरण। जैसे कि मैंने बताया इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि सॉल्ट को सहने की क्षमता। वो अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे कि अधिक खारेपन, कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, जिसमें जो नॉर्मली अन्य वनस्पति है वो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना सॉल्ट वाटर में ना कम ऑक्सीजन में। कम ऑक्सीजन का कैसे, मतलब कैसे ये इन्होंने अपने आप को इसके अनुकूल बनाया है, तो किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अक्सर पौधे का जो भूमिगत ऊतक होता है वो होती है उसकी जड़, और जड़ जो है मिट्टी के अंदर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई लेती रहती है और पौधे को यूज करती है, मतलब पौधे को इस्तेमाल करवाती है ऑक्सीजन का प्रयोग। अब बहुत सारे लोग चौंक मच जाइएगा कि ऑक्सीजन का प्रयोग पौधे क्यों करें बेटा, जैसे हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पौधे को भी अपने जो बनाए भोजन है उसके पचने के लिए, उससे ग्रोथ हासिल करने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। लेकिन मैंग्रोव के वातावरण में मिट्टी तो दलदल का क्षेत्र है, जड़ें पानी में डूबी हुई हैं, तो ऐसे में मिट्टी में ऑक्सीजन या तो नहीं होती है या बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। अब ऐसे में पौधे की हरी पत्तियां भोजन तो बना देंगी, लेकिन श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो मैंग्रोव ने इस प्रॉब्लम का सलूशन अपने अनुकूलन से फाइंड आउट कर लिया है। मैंग्रोव की जड़ जो है वो प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। जनरली जो पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर से अंदरूनी ऑक्सीजन का जो है इकट्ठा करती हैं पौधे के लिए और उससे श्वसन क्रिया करती हैं, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन को सोख करती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। इस उद्देश्य के लिए जो मैंग्रोव की जड़ें हैं आम पौधों से ऑब्वियसली अलग होंगी, क्योंकि अगर वो मिट्टी में ही दबी रहेंगी, मिट्टी के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं इनकी वाली के, जिन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स या फिर न्यू मेटोफोर्स कहते हैं। ब्रीदिंग रूट्स क्योंकि वो सांस लेने के लिए ही अपने आप को चेंज कर चुकी हैं, अपने आप को अनुकूलित कर चुकी हैं। इन जड़ों में कई सारे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है, यानी कि ये जो जड़ें हैं अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर इस पौधे को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, जिससे ये श्वसन कर सकें और वृद्धि कर सकें। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जैसे कि एक मैंग्रोव वृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे से घूम कर ऊपर मिट्टी के ऊपर निकल आई हैं, पानी से, मिट्टी से, दलदल से ऊपर निकल आई हैं, और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती हैं, फिर नीचे के पूरे सिस्टम के थ्रू पौधे को ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, जिससे ये जो वृक्ष है ये इस तरह से हरा भरा दिख रहा है, श्वसन क्रिया कर रहा है और वृद्धि कर रहा है। तो इसकी जड़ें विशेष प्रकार की जड़ें हैं जिनको हम बोलते हैं न्यू मेटोफोर्स। अब चरम स्थिति में उत्तर जीविता, भाई चरम स्थिति सिर्फ मिट्टी के मामले में, सिर्फ सॉल्ट के मामले में तो है नहीं, पानी के आसपास उग रहे हैं, तो जड़ें पानी में डूबे रहने के कारण मैंग्रोव के पेड़ गर्म, कीचड़युक्त और खारे परिस्थितियों में पनपते हैं।
जिसमें बाकी के पौधे जीवित नहीं रह सकते। एक तो टेम्परेचर हमेशा मॉडरेटली जो है मीडियम टू हाई रहता है, कीचड़ है, दलदल है, खारा पानी है, जिसमें अन्य वनस्पति नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइवल के लिए कई तरह के अनुकूलन, जैसे जड़ों का भी आपने देखा, ऐसे कई सारे अनुकूलन इसमें देखने को हमको मिलते हैं। जैसे पहला तो जड़ का हो गया, दूसरा है मोमयुक्त पत्ते। मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटे पत्तों में ताज़ा पानी जमा करके रखते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा जो रेगिस्तान में शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं, कैक्टस वगैरह, उनके जो पत्ते होते हैं वो पानी को जेल के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर एक वैक्स की लेयर पाई जाती है जो पानी के इवेपोरेशन को रोकती है और उस पानी को लंबे समय तक सेव करके रखती है। अब सोच के देखिए, पानी की कमी तो मैंग्रोव के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि उसको खारे पानी में से पौधा तो फ्रेश वाटर ही यूज़ करेगा, फिल्टर आउट करके फ्रेश वाटर निकालना है, फिर उस फ्रेश वाटर को उस गर्म माहौल में इवेपोरेट होने से बचाना है। तो सेम सिचुएशन हो गई जैसे शुष्क क्षेत्र की है। पत्तियों पर एक मोम का लेप जल को अपने अंदर अवशोषित रखता है मैंग्रोव के अंदर और वाष्पीकरण के प्रोसेस को कम करता है, क्योंकि इसने वो खारा पानी में से फ्रेश वाटर फिल्टर करके पौधे के लिए अलग किया है। ये उसे आसानी से अगर इवेपोरेट होने देगा तो फिर तो इसका जिंदा रहना मुश्किल है। देखिए, आपको मैंग्रोव की पत्तियों पे इस तरीके से एक तो मोम की चिकनी परत देखने को मिलेगी, पत्तियां मोटी होंगी जिनके अंदर जो ताज़ा पानी है वो जेल फॉर्म में सेव रहता है, और जो जितना सॉल्ट होता है वो सॉल्ट को पत्तियां अपने ऊपर इकट्ठा करके उसको बाहर निकाल देती हैं, जिससे पौधा जो है वो खारे पानी का प्रयोग करके भी नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद विवियोपोरस, ये एक बहुत ही विशेष गुण है जो मैंग्रोव को शायद सर्वाइवल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि वो बढ़ेगा कैसे, वृद्धि कैसे करेगा। तो मैंग्रोव के जो बीज हैं वो मूल वृक्ष से जुड़े रहकर अंकुरित होते हैं। विवियोपोरस कहते हैं हम उस टाइप के बीजों को जो अपने जो जो पेरेंट जो पौधा है उससे कनेक्ट रहकर ही पहले डेवलप होते हैं, परिपक्व होते हैं, और जब वो एक पर्टिकुलर लेवल तक परिपक्व हो जाते हैं तब वो अपना पेरेंट पौधा छोड़ते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद ये अंकुर बढ़ने लगता है, पौधे से जुड़ा रहता है। परिपक्व अंकुर जब फाइनली थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है, उसके थोड़े बहुत पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तब वो पानी में गिर जाता है, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर ही मैंग्रोव हैं, दलदली एरिया में ही हैं। किसी अलग स्थान पर पहुंचकर ठोस जमीन में जाकर जड़ें जमा लेता है जैसे ही उसको ये जगह प्राप्त होती है। देखिएगा इसका पिक्चर, ये मैंग्रोव के कुछ बीज हैं और आप देख सकते हैं बीज जो है टहनी से तब तक जुड़े हुए हैं जब तक उसके अंदर की जड़ का स्ट्रक्चर, उसके तैरने के लिए उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तब ये पानी में गिर सकता है, वरना तो अगर बीज अगर बिना डेवलप हुए पानी में गिरे तो बहकर ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या है, विवियोपोरस हैं, यानी इनके सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने और भी इनको एक गुण दिया है, इनके बीजों को डेवलप होने के बाद ही ये जो मुख्य पेड़ से अलग होते हैं और जहाँ भी जाते हैं जैसे इनको मिट्टी मिलती है ये जड़ को पकड़ के तैरते हुए उस जगह पर अपनी जगह बना लेते हैं। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, मैंग्रोव्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम के एग्जाम्स के लिए, सो ध्यान से देखिएगा। और आने वाले वीडियोस के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए, यूपीएससी सेक्शन में आके मेरा नाम सर्च करिए, निहारिका शर्मा, मेरा कोड यूज़ करके आप वहाँ पे मेरे फ्री और पेड लेक्चर्स ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाएंगे बहुत सारे इस कोड का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करते हैं अगली मुलाकात आपसे क्लासेस में भी होगी। मैं डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे क्लासेस लेती हूँ, दोनों फ्री क्लासेस हैं, तो आप ज़रूर आइए, उनको ज्वाइन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।